एक्सपीरियंस जो बच्चे अब हमारे नाम रोशन कर रहे हैं तो उनके लिए अकेला। जय भाई सभी को, आज मैं आया हूँ जैसलमेर के पोकरण डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ से हमारे पास में एक बच्चा महेंद्र सिंह जो कि लगातार अभी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए, इसका परिवार है और ये उनका घर है जहाँ पर मैं आया हूँ। आप देख सकते हो रेगिस्तान पूरा। यहाँ इसलिए आया कि हमेशा अक्सर बच्चे नौकरी लगने के बाद जो हमारे पास में आते हैं तो उनसे परिवार वालों से मुलाकात नहीं होती। एक बार उनका रिव्यू लेने के लिए वो एडमिशन के समय आए थे, तब उनका क्या रिव्यू था वो सारी चीजें आपको बताने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र के और भी कई बच्चे हैं जो हमारी अकेडमी में आते हैं। क्या नाम है लाडले आपका? महेंद्र सिंह सर। पूरा परिचय बताओ भाई। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं गांव घड़ी चंपावत जैसलमेर का रहने वाला हूं। और कब एडमिशन लिया था? एडमिशन लिया था 14 फरवरी 2023 को। 2023 को कौन सा अटेम्प्ट था जिस भर्ती में आप लगे हो? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। पहले अटेम्प्ट में नौकरी लगे थे। हाँ। क्या क्या किया था अकेडमी में? पहले मैंने एग्जाम की तैयारी की थी। हाँ। उसके बाद में एग्जाम क्लियर हुआ, उसके बाद में रनिंग की तैयारी की, लगभग मैं 6-6.5 महीने रहा लगातार। 12th पास करते आए थे? हाँ, 12th पास करते ही। और ये इनके बड़े पापा है मेघ सिंह जी। मेघ सिंह। ये इनके छोटे जो चाचा है वो है जालम सिंह। और ये इनके पिताजी है, क्या नाम है आपका सर? कुंदन सिंह। कुंदन सिंह जी। कुंदन सिंह जी, ये जब आप बच्चे को लेके आए थे 2022 में तो मेरे ख्याल से छोड़ने तो आए थे जालम सिंह जी। मैं छोड़ने आप अकेले आए थे और ग्राम घड़ी चंपा होता है और मैंने इधर उधर सर्च किया तो मैंने कहा भाई बच्चा इंटेलिजेंट है। आपको किसने बताया था हमारी अकेडमी? मैंने सर किसी थ्रू किसी ने बताया था कि विराट सर है और कमांडो अकेडमी कुतामन सिटी है, तो मैंने 2-3 जगह सर्च किया। फिर मैंने थोड़ा पता किया तो कि ऑलरेडी सक्सेस पर्सन वहाँ जाते हैं, तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन कराया और मेरे को 100% फेथ था कि क्योंकि बच्चा था उसके साथ एसोसिएशन और सही चीज हो, बस सही डायरेक्शन होता रहता है, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब फ्रॉम हार्ट थैंक यू। भी पटवारी है, मैं ऑलरेडी पटवारी हूँ, हम दोनों नवोदय विद्यालय में पढ़े महेंद्र सिंह और हम, तो ये मेरा जूनियर था तो मैंने कहा बच्चे में दम है और मेरे बड़े भाई साहब को बोला कुंदन सिंह जी को, तो उन्होंने कहा आपको सही लगता है तो वहाँ करा दो, तो मैं पूरा क्रेडिट ऑल क्रेडिट गोज टू विराट सर एंड कमांडो अकेडमी, क्योंकि बहुत अच्छी मतलब यदि किसी बच्चे का भविष्य सुधरता है और किसी के पीछे हाथ होता है तो विराट सर का है और बहुत मतलब 100% डेडिकेटेड है और हर समय वहाँ अकेडमी में रहते हैं तो सिलेक्शन इसी वजह से होता है, तो थैंक यू। फौजी बनने के बाद में कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वैसे इनके जो पिताजी थे वो भी बीएसएफ में थे? दादाजी। मैंने पिताजी, तो इनके पिताजी भी पहले बीएसएफ में रहे हैं, ये परिवार मतलब काफी लंबे समय से, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा इनके परिवार में बहुत सारे फौजी रहे भाई, तो अब बेटा फौजी बन गया, आपको खुशी इस बात की? पक्की वैसा तो नहीं है कि भाई आपको? नहीं, थैंक यू। दिल से थैंक यू। और ये आए थे तब अकेडमी में, तब भी जैसे इन्होंने बताया इनका रिव्यू, और ये बच्चा पहला अटेम्प्ट था इसका महेंद्र का, मतलब हमारी अकेडमी में भी ऐसा होता है सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक चलती है पूरी कार्रवाई, मोबाइल संडे को ही मिलता है, 4 घंटे के लिए संडे को मिलता है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग में भी ऐसा ही होगा कि दिया ही नहीं दिया था संडे को मिलता था, तो पहले अटेम्प्ट में जो रनिंग पास की थी वो एक्सीलेंट या गुड? सुपर एक्सीलेंट था, सुपर एक्सीलेंट इसने रनिंग पास की, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था इसका, और अब जो अग्निवीर है उनको परमानेंट भी कर रहे हैं भाई, तो पूरा चांस है, जीडी में लगा था लाडले। और ये इनके जो देख लीजिए भाई ये पूरा आसपास का, और इसके लिए भाई मैं अपनी तरफ से मिठाई लेके आया हूँ, इसमें जो बच्चे अब हमारे नाम रोशन कर रहे हैं तो उनके लिए अकेला, तो और उनके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि भाई हमारे लिए भी बहुत खुशी की पल है, जो बच्चा आपसे ज्यादा खुशी हमको है, आपको जीवन भर मतलब आपके परिवार से, लेकिन हमारा नाम भी जीवन भर रहेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, हमको याद रहेगा हमेशा, इसीलिए मैं अपने इस पल को यादगार बनाने के लिए यहाँ आया। थैंक यू सर, ताकि हम ऐसे तो बच्चा कोई निकल जाएगा हमें नहीं, पर अब मैं जरूर 100% जब इधर आएंगे इसी तरह मुलाकात होगी और बड़ा अच्छा लगेगा। आशीर्वाद सर बना रहे और इसी तरह हम आपको पहले आप अरे कोई सर मेरा एक बात है, मैं खिलाऊंगा भाई इनको, मैं खिलाऊंगा फोटो देना, मेरे ज्यादा हो जाएगी, मेरे आप 3 लोग मिल गए ना। हाँ इनके चलो डॉक्टर बेटा, मेरे ज्यादा हो जाएगी भाई मेरे, अरे यार ज्यादा थोड़ी खा लेता भाई, कैमरा मैन को भी खिला देंगे भाई। थैंक यू सर, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, हम भी यही प्रयास है कि किसी बच्चे का भविष्य सुधरता है, बस आपका सहयोग। एडमिशन भी करके तो आप एक लास्ट अपना रिव्यू दे दीजिए, आपको जब आए थे तब कैसे फीलिंग? मेरे को आया उस समय मेरे को फीलिंग हो गया, क्योंकि हम नवोदय विद्यालय में पढ़े थे और फिर मैंने सिस्टम को देखा ना, तो अंदर जो फैकल्टी थी वाकई, बस फैकल्टी देखो डिपेंड करता है अंदर की फैकल्टी और आपका एसोसिएशन कैसा है, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। और यहाँ से कितना दूर है अपने को? लगभग 400-500 में बहुत जहाँ सेंटर है वो रेलवे स्टेशन से शायद बस स्टैंड से काफी दूर है। हाँ। तो वहाँ हमें काफी प्रॉब्लम भी, लेकिन वहाँ जाके देखा ना तो हमें सुकून महसूस हुआ। मैंने ये दिन को बोल दिया था, मैंने आते ही मैंने कहा within 6 months और शायद 6 month से पहले भी इनका हो गया, तो थैंक यू विराट सर, थैंक यू कमांडो, धन्यवाद आप, थैंक यू। इन्होंने भाई विश्वास दिखाया तभी हम परियोजना मना पाते हैं, और जितने भी बच्चे जो हमारे पास में आता है हमारा यही कोशिश रहती है कि उनका रिजल्ट बनाए, अब आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे।
इसके साथ में अकेला बच्चा नहीं, इसके साथ में लगभग हमारी अकेडमी के 11 बच्चे पास आउट हुए अभी। और इसके खुद के सेंटर में, तेरे सेंटर में और कौन कौन थे हमारी अकेडमी के? अकेडमी एक था। कौन है, कौन से सेंटर में थे? कनेडा रेजिमेंट में सेंटर। अच्छा, कौन सी जगह? जबलपुर। जबलपुर में कौन था लड़का? चेतन था। चेतन। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक रोहन बिहार से, ये अभिराज जो भी कैमरा पकड़ रखा है, ये भी उसके साथ ही ट्रेनिंग कंप्लीट किया इसी भर्ती में। इसके अलावा सुमित गुजराती है इसी भर्ती में, अपना कमराज इसी भर्ती में है, और धर्मा वो भी इसी भर्ती में है। एक लड़का और हरिओम अभी जो आपको पहले आके गया था अकेडमी, वो भी इसी में है। कुल मिला के 11 बच्चे इस 4 जून वाले प्रेस आउट में थे भाई। ठीक है सर, बहुत आभार और आपका थैंक यू। आप बढ़िया से आगे का जो जीवन है वो बना रहे बढ़िया से, ताकि हमारा भी नाम रोशन करे और परिवार का। बिल्कुल सर।